फारूक को बुलाया गया। सरकार ने फरमाया, ए उमर, ऊंची आवाज में कुरान पढ़ते हो? हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल ऊंची आवाज में पढ़ता हूँ। सरकार ने वजह दरियाफ्त की तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए ऊंची आवाज में पढ़ता हूँ, जहाँ जहाँ तक आवाज जाए वहां वहां तक दरो दीवार पहाड़ उमर के कुरान पढ़ने की गवाही दे। सरकार ने फरमाया, अच्छा इसलिए ऊंचा पढ़ते हो? तो फिर सरकार ने मना नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया उमर और ऊंचा पढ़ा। आप सबसे गुजारिश है, अगर सुभान अल्लाह ऊंची आवाज में पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह ऊंची आवाज में कहेंगे, तो जहां जहां तक आवाज जाएगी वहां वहां तक दरो दीवार बरोज़े कयामत आपके हक में गवाही देंगे। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह बेऐब है, अल्लाह पाक है। कल को हमने भी मरना है, कोई पता नहीं किसी का कब सांस की लड़ी टूट जाए, लेकिन यहाँ बोलोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों में ऐलान करे कि आज जा बंदा, तू मुझे कह रहा है कि अल्लाह बेऐब अल्लाह पाक है, आज मैं भी फरिश्तों में ऐलान करता हूँ, जा तू भी गुनाहों से पाक। एक बार सारे अहबाब माँ के लिए खीर का हक अदा करके ऊंची आवाज में कहे ना सुभान। बहुत शुक्रिया। गुजारिश करता हूँ अपने ऐवान में मोहतरम मकाम इज्जत माब जनाबे भाई शहजाद आलम साहब, जो कि गुरेवाला से तशरीफ लाए हमारे मेहमान नाथ खान, बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ने वाले शहजाद आलम साहब से गुजारिश करता हूँ, आके नेमत की बारगाह में अपने खूबसूरत अंदाज में अपनी हाजिरी पेश फरमाएं और इस सवाब की महफल में अपना हिस्सा शामिल करें। जनाबे शहजाद आलम साहब, दुरूद पाक बाबा से गुलाम सल्लल्लाहु अलैका या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या बुलंद पढ़ो, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों महफिल इसाले सवाब है, इसाले सवाब के मौजू ते पंजाबी दा एक मशहूर ज़माना कलाम पेश करते हैं। हाँ कबर विच फर्क पे जाना कहिए सुभान अल्लाह, कबर विच फर्क पे जाना एक आसादा ते आमादा, कबर विच फर्क पे सादा ते आमादा, और इंशाल्लाह कफन मेला नहीं होना, कफन मेला कफन मेला कफन मेला नहीं होना, मोहम्मद ते गुलाम आदा नारे रिसालत कफन शके ओ हाथ चके ना चके जिन्नू पके ओ दोवे हाथ चके ऐलान करे 21 नवंबर दा दिन जनाजा अमीर अल मुजाहिदीन मुहाफिज नमूस रिसालत बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब मिंबर साहब देखया जे ना ओ लाहौर सारा ही फुल्ले, मीनारे पाकिस्तान दा सारा ही ग्राउंड फुल्ले, ए सरकार दे आशिकां दी शान है। हाथ चके आखो कफन मेला
सुभान अल्लाह जिन्नू सोने ने फरमाना इनू छोड़ो ए मेरा ए ओदे लई सा कहो जाना सफर अगले जहान दा ओदे लई सा कहो जाना सफर अगले जहान दा कब्र विच फर्क पै जाना और अकीदा अहले सुन्नत एक बारी खुश हो के बोलो यार सुभान अल्लाह दोवें चुक दो सुभान अल्लाह के मोहम्मद दे वसीले बाज कदी बेड़ा नहीं तर सकदा मोहम्मद दे वसीले बाज कदी बेड़ा नहीं तर सकदा विच फर्क पै जाना और कामरान भाई गुलशेर भाई मुस्तफा भाई अगला मेंबर साहब असि सारे बलियां दे ते पीरां दे मनन वाले बैठे हैं तुम्हें आज चुक गौ सुभान अल्लाह और 423 एन का लियो तुसी ते खुश नसीब हो एक वलीए कामल दा आस्ताना बाबा मोहम्मद अली शाह साहब रंगीला आप दा आस्ताना सामने कामरान भाई शेर सुनना है हां ए साया विच फर्क पै जाना और ताई पढ़ के दरूदा दे तोहफे असी भी देते हैं बाजमात होके बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह दरूद के सलाम क्यों पढ़ते हैं के ताई पढ़ के दरूदा दे असी भी जीते हैं इंशाल्लाह अमीनों के मुल पैड़ा दरूदा ते सलामादा अमीनों के मुल पैड़ा दरूदा ते सलामादा कबर विच फर्क पै जाना एक शहजाद आलम साहब खूबसूरत अंदाज़ अपनी हाजिरी पेश फरमा रहे थे।